और यार इस बंदे को देख के ना मुझे बहुत ही तरस आ गया यार, क्या ही कैंपिंग की है बंदे ने। तो गाइस स्वागत है यार मेरे चैनल पर। तो आज की वीडियो में खेलने वाले हैं फिर से पबजी लाइट, और पबजी लाइट का खेलने वाले हैं हम FPP मोड, यानी कि फर्स्ट पर्सन मोड। तो भैया इस गेम प्ले में ना भाई कतई गलत सीन हो रहे हैं भड़के, पता नहीं क्या क्या सीन हो रहा है भाई। कैंपर्स की लिस्ट ही बड़ी बढ़िया। तो यार आप सबको दिखाता हूँ यार FPP मोड, देखो यार कैसा लगा आप सभी को FPP मोड। तो भैया लाइक कर दो यार इसी बात पर FPP मोड में। भैया तो कैंपर्स की बात चल रही थी यार, कैंपर्स तो कतई भाई ठोक ठोक के भरे इस गेम में। तो मैं यार जैसे जाता हूँ तो मुझे ना, चलो गेम प्ले की बात करते हैं यार, हेलमेट वेलमेट उठाता हूँ। और आगे घर में मुझे ना फुटी स्टेप आ रहे थे, कानों के बीच में बज रहे थे बंदे के, तो मैं इसको मारता हूँ अभी देखो। लेकिन यार डिफिकल्टी काफ़ी आती है FPP मोड में, क्योंकि यार पहले कभी खेला नहीं, मैं फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ इस गेम में। तो भैया तो मारना तो पड़ेगा यार, बंदा मेरे सामने से जा रहा है। लेकिन देखो यार कैसे बंदे को मार रहा हूँ मैं, मुझे मुझसे मारना मारा नहीं जाता। तो ये इस घर में घुसा है बंदा, तो भी मारता इसको मैं। अबे मर जा बे। इस बंदे को मारने के लिए यार मुझे तो जमाना ही लग गया, पता नहीं कितना टाइम खाया है यार इस बंदे ने। तो गोली खा पहले तो भैया पिस्टल की, क्योंकि हम गोली बिल्कुल नहीं वेस्ट करेंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं है, गोली के नाम पर ठेंगा है। तो इसको भैया लूट पाट करते हैं, लूटना भाई बहुत ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हुए यार इस घर से भी मुझे काफ़ी फुटस्टेप आ रहे, तो मैंने सोचा भैया इसको तो ठिलाना ही पड़ेगा। तो ये तो भैया बॉट मिला, तो बॉट को ही हम पूरे स्टाइल से मारेंगे, अपना नॉक करेंगे और फिर इसको लूटेंगे और देखेंगे क्या क्या है इसके पास। और भैया आगे से पता नहीं कितने बंदे गोलियां पता नहीं सिर खा रहे हैं मेरा, तो मैं सोच रहा हूँ इनको भी मार कहता हूँ। स्कारल वाला बंदा काफ़ी बंदे को मार रहा है, तो अभी इसको देखते हैं, खबर लेते हैं इसकी अभी आगे जाकर। इस बंदे ने भैया गाड़ी गुड़ी पूरी फोड़ के रखी है, तो मुझे ध्यान से जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बंदा कुछ भी कर सकता है। बंदा यार आइटम है, एक नंबर का आइटम। तो अभी देखता हूँ, तो बाहर आ रहा है वो घर से, तो अभी देखता हूँ शूट करता हूँ उसको। तो वो आ गया सामने, और देखो भैया कैसे गंदी मौत होती है। भैया कवर में रहा करो यार, तुम क्या सोच के बाहर आते हो कि तुम्हें कोई मारेगा नहीं। तो ये बंदा तो काफ़ी चलाक निकला, छुप जाता है, लेकिन ये इसके बंदे की बहुत मेरे हाथ से होंगी। तो भैया 3 किल के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। जानी आगे तो भैया सीन अलग ही हो रहे थे, बंदे पता नहीं बॉट को मार के इतना तड़प रहे थे ना, खुश हो रहे थे। तो मैंने सोचा भैया इनको भी मैं ठिलाता हूँ, तो अभी देखना कैसे। AKM का स्प्रे यार आप सभी को पता है, अभी आसमान तो आसमान छूता है भैया AKM का स्प्रे। तो मैंने UMP निकाली और भैया मारने लग गया दबा के। तो UMP के स्प्रे के साथ यार आप सभी को पता है पबजी लाइट में UMP ना भैया गॉड है, यानी कि ऑक के बराबर की गन है यार ये UMP। तो अभी इसको ठिलाता हूँ मैं पूरा, क्योंकि यार किल किल तो भैया बहुत ज़रूरी है गेम प्ले के लिए। तो भैया यार किल से ज़्यादा है भैया इस गेम प्ले में, मेरे किल को मत बिल्कुल भी मत नोटिस करना, क्योंकि यार FPP मोड खेल रहा हूँ और मेरे काफ़ी सारे किल जो हैं मुझसे हो नहीं रहा, क्योंकि यार काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है FPP मोड। मैं इतना प्रोफेशनल भी नहीं हूँ अब। तो देखो यार, तो उस बंदे को मैंने थोड़ी सी गोलियाँ तो मारी, लेकिन वो बंदा इतना चलाक होता है कि भैया अपना मुंह उठा के, गंदा सा मुंह उठा के मेरे पास चला आता है मुझे मारने के लिए, समुंदर के बीच में से आता है। तो जैसे वो मुझे देखता है वो मुड़ने लगता है, लेकिन मैं कहाँ पर सुधरता हूँ, उसको मैंने सीधे मार दिया। और 5 किल के साथ, 5 किल की प्राप्ति के साथ मुझे एक बॉट दिख जाता है, जो कि बॉट को भी मारना पड़ेगा ही, क्योंकि गेम प्ले बॉट के साथ ही बनता है। और आगे पता नहीं क्या क्या बर्तन फेंक के यार वो बंदा मुझे मुझ पर पता नहीं कहाँ से गोलियाँ चला रहा है, और बर्तन जैसे गोलियाँ चला रहा है, एक एक गोली मार रहा है वो बंदा मुझ पर। तो मैंने सोचा पहले यार इस बॉट को ठिलाता हूँ, फिर इसको देखूंगा मैं। तो मुझे कोई दिख नहीं रहा, तो पहले इसको बॉट को ठिलाता हूँ मैं बाहर आके। तो ये रहा, बॉट को मारने का भैया बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि बॉट हमारे लिए अहम रोल है KD को बढ़ाने के लिए। तो बंदे काफ़ी चल रहा थे आगे से, तो मैंने सोचा उनको मारता हूँ बाद में। भाई बहुत ही ज़्यादा कष्ट कर रहा था मैं उस बंदे को देखने के लिए, लेकिन यार वो बंदा मुझे दिख ही नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ पर छुपा हुआ भाई, पता नहीं झंडे गाड़ कर आगे अपने छुपा हुआ है, लेकिन मुझे वो दिखा नहीं। तो मैंने सोचा भैया बॉट को लूटना तो पड़ेगा ही भैया, क्योंकि बॉट की लूट सबसे बढ़िया होती है, क्योंकि बॉट के पास DP भी होती है, स्कारल भी होती है, बहुत सारी हेल्थ एनर्जी ड्रिंक सब कुछ होता है। तो भैया जब मैं स्मोक करता हूँ मुझे ना यहाँ से फुटस्टेप आने लगते हैं, जो कान में बज रहा है यार, हेडफोन में कुछ तो कुछ हो रहा है। तो यार मैंने देखा बंदा बड़ा चलाक बन रहा है, वो ना गाड़ी लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने AKM निकाली और सीधा इसके 40 की 40 गोलियाँ उसके सर पर डाल दी, लेकिन मेरे पास तो अभी 30 गोलियाँ हैं, क्योंकि एक्सटेंडेड मैग मुझे नहीं मिला, तो 30 की 30 लगा लो। तो जैसे मैंने इसको नॉक किया, तो भैया ये गाड़ी से बाहर आ गया और अभी इसको मारता हूँ। लेकिन वो बंदे को अभी भी चैन नहीं आ रहा था, वो बंदा अभी भी मुझ पर गोलियाँ चलाए जा रहा था। तो मैंने सोचा भैया इसको कवर में रहना ही अच्छा है, वो बंदा पता नहीं कौन से नशे करके मुझ पर स्प्रे दे रहा है, कब का मारी जा रहा है। तो मैं सोचता हूँ इस पर स्मोक करके करता हूँ, क्योंकि वो बंदा तो भैया लकीर का फकीर, मुझे मार के छोड़ेगा भैया। तो कर लेते हैं स्मोक और लूटते हैं, इसमें क्या है, स्मोक की मदद से यार आप लूटते हैं क्या क्या मिलता है।
तो भैया आधे घंटे की लूट के बाद मुझे मिलती है डीपी, जो कि इस गेम में भी काफ़ी पावरफुल है। तो भैया आप देखना क्या गलत सीन होता है मेरे साथ, और ये बंदा पता नहीं यार कैसे कैम करके बैठा, AK-47 इसके हाथ में है, तो डीपी निकाल कर देखो कैसे मारता है उसको। भैया ये बंदा पता नहीं क्या क्या कैम करके बैठा है यार। तब का देखो यार, इसका टीममेट के साथ जो गाड़ी वाला था ना, उसका ये टीममेट है। तो भैया पता नहीं इतना गंदा कैंप करके कैसे रह लेते हो यार आप सभी, बताओ मुझे। बैरल थी इसके पास, मैं तो यार ठिल जाता था अभी। और ये बॉट मुझे मार रहा है कब का, तो अभी मैं इसको बताता हूँ क्या है। भाई बॉट को मारने के बाद मेरे हो जाते हैं 9 किल, और 9 किल भैया इसी जहाँ पर उतरा हूँ वहीं पर 9 किल हो गए। भैया बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि 9 किल करना यार पबजी लाइट में वो भी बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो चलो भैया, ड्रिंक ड्रुंक लगा कर यार, इस बंदे ने काफ़ी मुझे ड्राई दिया था। मैं आपको जैसे पहले ही बताया था कि यार कैंपर पूरे ठोक ठोक कर बैठे हैं यार इस गेम में। भैया क्या ही कैंपिंग, अलग लेवल, पूरी गॉड लेवल की कैंपिंग करके बैठा था यार वो बंदा। तो भैया अगर आप सभी को मेरी कमेंट्री अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरी वीडियो को भी लाइक कर देना यार, तो ऐसी वीडियो आप सभी आपको मिलती रहे। आगे भाई जोन भी बड़ी तेज़ी से जा रहा, तो मैंने सोचा भैया अपनी गाड़ी उठा कर जाते हैं यहाँ से। तो FPV मोड में यार फिर से बताता हूँ, FPV मोड में ड्राइव करना भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन यार मेरी ड्राइविंग को देख के आप यार लाइक तो कर ही दोगे, और सब्सक्राइब करना तो यार बनता है यार मेरी ड्राइविंग को देख के, यार इतनी अच्छी ड्राइविंग करता हूँ मैं। तो देखो भैया ड्रिफ्ट मारता हूँ मैं, रास्ते में ड्रिफ्ट मारता हूँ, आगे जाके यार भैया मेरा स्टंट देखना, मैंने इतना अच्छा स्टंट किया है ना भैया। सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे यार, पूरा पूरा सब्सक्राइब तो आपका करना बनता ही है। तो यहाँ पर यार स्टंट देखना मेरा, कहते आसमान को गाड़ी छू लेती है और मैं सीधा उतरता हूँ, और आगे से काफ़ी ज़्यादा बंदों की आवाज़ आ रही है तो सीरियस हो जाते हैं थोड़ा सा। ऊपर चढ़ के देखता हूँ भैया, काफ़ी बड़ी महाभारत हो रखी होती है। तो मैं जैसे ही देखता हूँ बंदों को, लेकिन पहले तो मुझे बंदा कोई भी नहीं देखता, पता नहीं कहाँ पर मुंह उठा के लड़ रहे थे। तो जैसे ही मैं नीचे उतरा तो मुझे काफ़ी बंदे देख गए, तो मैंने सोचा इनको उधर जाके मारूंगा। लेकिन एक बंदा भाग रहा था, एक बंदा मेरे बंदे को मार रहा था मेरे सामने, आंखों के सामने उसने मेरे बंदे को किल चुरा लिया एक मेरा उसने। तो मैं इसको DP से मारने लग गया, और बहुत ही आसानी से मैंने इसको मार दिया। और DP का रिलोड जैसे आप सभी को पता है यार आधे घंटे का होता है। तो अभी मुझे समंदर को जाना पड़ेगा, समंदर के पास, ताकि इन सभी को मैं मार सकूँ। वो दो बंदे वहीं पर बैठे हैं अभी तक। यहाँ पर आने के बाद यार मैंने पूरी कोशिश की थी मैं पहले नॉक वाले बंदे को मारूँ, क्योंकि यहाँ पर यार मेरे गेम प्ले में एक किल का नुकसान हो गया यार, एक किल का नुकसान, एक किल का आप सभी को नुकसान को पता ही है भैया, बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। तो यहाँ पर यार सिर्फ दो बंदे अलाइव रह गए थे, एक ये दो बंदे जिसको मार रहे थे, और जिस बंदे ने इनको नॉक किया था, एक वो मेरे सामने खड़ा है। भैया ये बंदे ने पता नहीं कौन से गॉड लेवल की कैंपिंग की है यार आप सभी। एंड में आप सभी ने स्टार्टिंग में यार देख ही लिया होगा जब मैंने वीडियो की एडिटिंग की थी, भैया ये बंदा पता नहीं किधर कौन सी मौसी को पता नहीं देख रहा था। तो भैया अभी देखना कैसे मारते हैं इसको, लेकिन मारेंगे नहीं, थोड़ा सा फ़न करेंगे इसके साथ। मैं सोच रहा था इसको नेट से मारेंगे, लेकिन नहीं यार नेट से नहीं, DP से मारेंगे, DP हाथ में है तो DP से मारना पड़ते हैं। अभी यार मैं पूरा घबराया हुआ था, क्योंकि वो सारियाँ गोलियाँ मेरे पे ना बरते। अब इस बेवकूफ़ को लगता है मैं वहाँ पर हूँ, और यार इस बंदे को देख के ना मुझे बहुत ही तरस आ गया यार, क्या ही कैंपिंग की है बंदे ने। लेकिन भैया तरस तो हम खाते नहीं, हम मारेंगे यार इस बंदे को पूरा DP से। लेकिन यार ये बंदा मुझे पैन से मारने की कोशिश कर रहा था, मैंने सोचा DP से तो मारना बनता है यार, काफ़ी लुच्चा बंदा था यार ये। तो अगर आप सभी दोस्तों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना, दोस्तों बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। तो मिलेंगे आप सभी को अगली वीडियो पर, बाय बाय।